अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे यूथ्स पार्टिसिपेशन इन ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस चंक इज अगेन बीइंग टेकन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ प्रोफेसर अब्दुल मजीद खान। हम प्रोफेसर अब्दुल मजीद खान की राइटिंग्स पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और ये जो ऐसे है ये भी वहीं से लिया गया है, उनके ही राइटिंग्स की कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं, कुछ एक ऐसे है, कोई आर्टिकल है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। बट इट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किस चीज़ के बारे में है? यूथ की पार्टिसिपेशन ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में। ठीक है, इससे पहले आपको पता होगा, आपने अपने आस पास लोगों को देखा होगा जो कि नशे की लत में गिरफ्तार हैं। ठीक है, आपने आस पास कुछ लोगों को देखा होगा। क्या आपके दिल में कभी ख़्याल आया कि आप उनकी मदद कर सकें ताकि वो इस लत से बाहर निकल सकें? क्या आपने कभी ये सोचा कि इनकी किस तरह से मदद की जा सकती है ताकि वो भी हमारी तरह के सिटीजन्स बने? अगर आपने सोचा है तो फिर आपने ये भी सोचा होगा कि किस तरह से इनकी मदद की जा सकती है, और अगर आप लोगों ने नहीं सोचा तो कभी इस बात पे ज़रूर सोचिएगा कि हम इनकी मदद किस तरह कर सकते हैं। यूथ, आप लोग इनकी मदद किस तरह से कर सकते हो? आप लोगों का हेल्पिंग एंड बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, लोग जो है वो नशे की आदत से बच सकते हैं, लोग नशे की दूसरी एक्टिविटीज़ में पड़ने से बच सकते हैं अगर आप लोग इनकी मदद करें। ठीक है, और सोचिएगा वो मेजर्स कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या रोल परफॉर्म कर सकते हैं उनकी मदद करने में। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर अब्दुल मजीद खान ने क्या सजेस्ट किया है। ठीक है, स्टार्ट इंट्रोडक्शन देखें स्टूडेंट्स, इन्होंने किस तरह से दिया है। दीज डेज ड्रग अब्यूज़ इज़ बिकमिंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, और आपको पता है कि आजकल जो है वो वाकई में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड बनता जा रहा है, एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इन है, आपको नशे की लत जो है वो आपको लगेगा कि आजकल जो है वो इंक्रीज पे है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। इट हैज़ बिकम क्वाइट कॉमन अमंग यूथ, और नौजवानों में ये कुछ आम होता जा रहा है। As drug have become quite accessible, और वजह क्या है कि drugs जो हैं वो नौजवानों की पहुंच में आ गए हैं, जब accessible हो गए उनके लिए, उनकी पहुंच में आ गए हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान उसमें गिरफ्तार हो रहे हैं, उस लत में, उस आदत में गिरफ्तार हो रहे हैं। Today there is a clear need for effective drug prevention programs directed towards youth, और आजकल किस चीज़ की ज़रूरत है? ऐसे programs की जो के नशे से रोक सकें, नशे की आदतों से रोक सकें, किनको? नौजवानों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो फिर क्या हम स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं कि हम यूथ को ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी आदतों में पड़ने से हम किस तरह से रोक सकते हैं? राइट, इनफैक्ट यूथ मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स। असल में क्या है, यूथ को जो है वो एक एक्टिव रोल परफॉर्म करना है। ठीक है, इन ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, ड्रग से रोकने के लिए, नशे की लत से रोकने के जो प्रोग्राम्स है उसमें यूथ को एक्टिव रोल परफॉर्म करना है। ठीक है, हाउ एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट यूथ आर नॉट प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स ऑन ड्रग्स,
ओके, अब इसमें हाउ एवर मीन्स अदर साइड अब वो दिखाना चाह रहा है. इफ़ यू रिमेंबर हमने कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज जो पढ़ा था, हाउ एवर कौन सा ट्रांजिशन वर्ड्स था कंट्रास्ट शो करने के लिए. ठीक है, अब रोल तो यूथ ने परफॉर्म करना है, लेकिन वो कह रहा है कि ये बात भी जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे नौजवान हैं वो प्रोफेशनल नहीं हैं, वो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो माहिर नहीं हैं ड्रग्स के हवाले से. वो ड्रग्स के हवाले से जो है वो उनकी इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं हैं. वो किस तरह से इनके एक्सपीरियंसेस नहीं हैं या वो किस तरह से माहिर नहीं हैं, दे लैक एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. उनमें एक्सपीरियंस की कमी है और उनमें नॉलेज की कमी है. इन द एकेडमिक सेंस ऑफ कोर्स दे आर एक्सपर्ट्स ऑन व्हाट दे हैव परसीव्ड और इवन एक्सपीरियंस्ड देमसेल्व्स व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग. अब वो कह रहे हैं कि जो नॉलेज है ड्रग्स के, नॉलेज के हवाले से यूथ में अवेयरनेस कम है. यूथ जो है वो अगर कुछ जानती है, अगर वो किसी बात पे डिस्कस कर सकती है, किसी बात पे वो बोल सकती है, वो क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग, ड्रग्स के जो असरात हैं उन पे तो वो बात कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स नहीं हैं. एक्सपीरियंस की भी कमी है, थोड़ा बहुत नॉलेज की भी कमी है इस सेंस में यूथ के हवाले से. ठीक है, बट दे डू नॉट नो द साइंस बिहाइंड ड्रग्स एंड ड्रग अब्यूज़. अब वो साइंस क्या है, वो उस ड्रग के हवाले से नॉलेज है, उस ड्रग के हवाले से एजुकेशन है कि उस ड्रग में क्या होता है. उसके असरात तो यूथ बयान कर सकते हैं, लेकिन जब उनके उन मंशियात की, इल्म की जो बात आ जाती है, वो यूथ में कम है. एक्चुअली यंग पीपल हैव अ जनरल नॉलेज अबाउट ड्रग्स. उनके पास क्या है, जनरल सा एक नॉलेज है. ठीक है, बट दे मे नॉट नो द स्पेसिफिक्स. लेकिन डिटेल में अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे बात की जाए तो उस चीज़ में फिर क्या है, यूथ के पास इतना इल्म नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल दी है उन्होंने कि किस तरह से उनके पास जनरल नॉलेज है लेकिन डिटेल्ड नॉलेज नहीं है. अच्छा, जनरल नॉलेज और डिटेल्ड नॉलेज में फ़र्क होता है? यस, होता है. क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल दे रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ यंग पर्सन मे नॉट नो हाउ ड्रग्स एक्चुअली पेनिट्रेट द ह्यूमन बॉडी. एक यंग इंसान को पता नहीं है कि ड्रग्स जो है वो किस तरह से किसी जिस्म के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, दाखिल होते हैं. ठीक है, एंड विच सेंसेस दे अफेक्ट फर्स्ट, और सबसे पहले जो है वो कौन से सेंसेस पे अटैक करता है, किस सेंस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है. नाउ दिस इज़ व्हाट स्पेसिफिक नॉलेज, दिस इज़ व्हाट साइंटिफिक नॉलेज. ठीक है, तो यही चीज़ वो बता रहा है कि यूथ के पास इस चीज़ की कमी है कि किस तरह से वो बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं और किस सेंस, किन सेंसेस को वो इफ़ेक्ट करते हैं. ये बात जो है वो यूथ को इतना नहीं पता. बट एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कंसल्टेंट्स एंड ड्रग अब्यूज़ कुड प्रोवाइड द आंसर. लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस चीज़ के बारे में जो है वो कंसल्टेंट्स हैं, वो आपको फिर ये बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं. एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स एंड प्रोफेशनल्स कैन प्रोवाइड सपोर्ट विदाउट बीइंग इन कमांड ऑफ अ प्रोजेक्ट. किसी प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद ना होते हुए भी वो मदद कर सकते हैं अपने नॉलेज के थ्रू. मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दैट एडल्ट्स कैन बी अ रिसोर्स फॉर यंग पीपल व्हेन दे नीड एनी सब्सटेंशिएशन. अब एडल्ट्स जो है वो क्या हो सकते हैं, अब वो उन्होंने एक्सपर्ट्स की बात की, कंसल्टेंट्स की बात की. एक तरफ तो एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं, दूसरी तरफ क्या है, यूथ है. अब ये जो एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो कि पेशावर काम करते हैं,
जो कि किसी उस फील्ड में जो है वो उनका होल्ड है ड्रग्स पे, वो एक तरफ है. क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है. और दूसरी तरफ क्या है, हमारा यूथ है जिनके पास ये नॉलेज तो है कि ये नशा है, ये भी नशावर चीज़ें हैं, ये भी नशावर चीज़ें हैं, लेकिन वो किन सेंसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, वो जिस्म में कैसे पेनिट्रेट होते हैं, सबसे पहले कौन से हिस पे हमलावर होते हैं, ये बातें जो है वो कोई कंसल्टेंट, कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है. यूथ के पास इन चीज़ों की कमी है. और वो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो आपके पास प्रोफेशनल्स हैं, वो उस प्रोजेक्ट में ना होते हुए भी अपने इल्म के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू आपकी हेल्प कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट द पोएट इज सेइंग कि यूथ जो है वो आगे वो बताएगा कि वो यूथ किस तरह से फिर अपना रोल परफॉर्म कर सकता है. एक्सपर्ट्स के पास नॉलेज है, कंसल्टेंट्स के पास नॉलेज है, प्रोफेशनल्स के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, यूथ के पास तो नहीं है. फिर यूथ किस तरह से जो है वो इन प्रोग्राम्स में हेल्प कर सकता है. हालांकि शुरू में उन्होंने बताया एक्टिव रोल तो वो परफॉर्म कर सकता है. अब हम देखते हैं एक्टिव रोल वो फिर किस तरह से परफॉर्म कर सकता है. ठीक है. ओकेजनली इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन एडल्ट टू प्ले अ सपोर्टिव रोल व्हेन पार्टिसिपेटिंग विद यंग पीपल. अब क्या है, वो बता रहा है कि मुश्किल हो जाती है किसी एडल्ट के लिए, किसी एक्सपर्ट, कंसल्टेंट, एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो उसके लिए सपोर्टिव रोल, सपोर्ट करे वो किसी चीज़ को, इस तरह का रोल परफॉर्म करना जो है वो यूथ के साथ शामिल होते हुए फिर एक सपोर्टिव रोल परफॉर्म करना एडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए मुश्किल होता है. इट इज़ चैलेंजिंग बिकॉज दे ऑफन फॉल इनटू द अथॉरिटेटिव और इम्पोजिंग रोल्स. ये एक चैलेंज बन जाता है, चैलेंजिंग है, ये मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? बिकॉज दे वो क्या होता है, ऑफन फॉल इनटू द अथॉरिटेटिव और इम्पोजिंग रोल्स. मोस्टली जो बड़े होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो उस प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ये समझते हैं कि वो अथॉरिटेटिव, उनके पास जो है वो नॉलेज है. और अगर यंग लोग आ जाते हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर क्या होता है, मुश्किल कहाँ होती है कि वो जो बुज़ुर्ग हैं वो अथॉरिटेटिव रोल परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी बातें इम्पोज करते हैं. ठीक है, अपना हुक्म चलाना शुरू हो जाते हैं यूथ पे. अगर किसी एक प्रोग्राम में दोनों काम करें तो फिर कहाँ मुश्किल हो जाती है, जब बड़े अपना जो है वो रोल इस तरह से परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं कि वो यूथ पे हावी होने की कोशिश करते हैं. ठीक है, विदाउट इवन नोटिसिंग. अच्छा, फिर इम्पोजिंग रोल्स तो उनके होते हैं, हावी होने वाले रोल्स परफॉर्म करते हैं, अथॉरिटेटिव टाइप के रोल्स, कि वो अपनी बात मनमानी करने वाले रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं. विदाउट इवन नोटिसिंग व्हाट दे आर डूइंग व्हेन वर्किंग विद यंग पीपल. जब आप यंग लोगों के साथ, जब आप नौजवानों के साथ काम करते हैं, दो एडल्ट्स मस्ट रिस्पेक्ट एंड रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ यंग पीपल्स आइडियाज एंड ओपिनियंस. अगरचे एडल्ट्स को क्या करना चाहिए, नौजवानों के ओपिनियंस का, उनके ख्यालात का, उनके जो है वो आइडियाज़ का एहतराम करना चाहिए और उनकी वैल्यू को समझना चाहिए. ठीक है, एडल्ट्स शुड टेक देम सीरियसली बिकॉज यंग पीपल विल इक्वली रिस्पेक्ट एंड टेक सीरियसली व्हाट एडल्ट्स वुड से. अब उनका ना सिर्फ ख्याल रखना पड़ेगा बल्कि उनको सीरियसली लें, नौजवानों के जो ख्यालात हैं उनको सीरियसली लें. फिर इन रिटर्न क्या होगा कि नौजवान फिर आपकी बातों को, बड़ों की बातों को सीरियसली लेना शुरू हो जाएंगे. एडल्ट्स शुड ऑल्सो एनकरेज यंग पीपल. अब बुज़ुर्गों को क्या करना चाहिए,
नौजवानों को एनकरेज करना चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए टू ड्रॉ अपॉन देयर स्किल्स, ताकि वो अपनी सलाहियतें खुल के बयान कर सकें. नॉलेज एंड रिसोर्सेज, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज और उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको खुल के इस्तेमाल कर सकें. ठीक है. एनकरेजमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट और अ रिवार्ड. अब एनकरेजमेंट जो है वो दो तरह से हो सकती है. आप किसी को या तो शाबाशी अल्फाज की सूरत में देंगे या फिर आप उसको कोई प्राइज, कोई गिफ्ट दे देंगे कि ये आपकी खिदमात के जो है वो एजाज़ में हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं. सो उनको एक्नॉलेज करना है, उनको आपने तस्लीम करना है, उनके रोल को, उनकी स्किल्स को, उनके वर्क को अप्रिशिएट करेंगे तो फिर क्या होगा, वो अपने स्किल्स को खुल के बयान करेंगे और वो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, वो किसी भी प्रोजेक्ट में एक्टिवली फिर अपना रोल परफॉर्म कर सकेंगे. एडल्ट्स शुड प्रोवाइड देयर एक्सपर्टीज एंड इंफॉर्मेशन व्हेन दे आर नीडेड. और एडल्ट्स को क्या चाहिए कि अपनी एक्सपर्टीज किसी ख़ास चीज़ के बारे में, जो उनके एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो उनके ख्यालात हैं या जो उनकी पेशावराना राय है या जो मालूमात हैं, जब कभी उनकी ज़रूरत हो उनको चाहिए कि वो क्या करें, मुहैया करें नौजवानों को, उनको जो है वो प्रोवाइड करें, उनको दे दें कि भाई ये इंफॉर्मेशन चाहिए ये ले लो, ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसमें उसकी हेल्प करें हर तरह से. यंग पीपल मस्ट ऑल्सो रियलाइज देयर ओन बेनिफिट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग विद एडल्ट्स. अब यंग लोगों को चाहिए कि वो बड़ों के साथ काम करते हुए इस बात को जो है वो रियलाइज़ करें कि वो अगर बड़ों के साथ काम करेंगे तो उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. एडल्ट्स डू हैव मच टू शेयर दैट इज़ रेलिवेंट टू यंग पीपल्स नीड्स. एडल्ट्स के पास जो है वो बहुत कुछ ऐसा है जो कि नौजवानों के लिए रेलेवेंट है, उस चीज़ से कनेक्शन हो सकती है, उस इंफॉर्मेशन का वो फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है. ठीक है. एडल्ट्स आर एबल टू ऑफर सजेशंस. अब यूथ को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए. ठीक है. एडल्ट्स को तो उन्होंने, प्रोफेसर अब्दुल मजीद ने एडल्ट्स को ये मशवरा दिया कि आपने यूथ को एनकरेज करना है, उनको शाबाशी देनी है. और दूसरी तरफ वो क्या कह रही है कि यूथ को चाहिए कि वो भी इस बात की अहमियत को समझें कि अगर वो एडल्ट्स के साथ क्या काम करेंगे तो उनके क्या फ़ायदे हैं. एडल्ट्स आर एबल टू ऑफर सजेशंस, रिसोर्सेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विजन. अब एडल्ट्स के पास क्या है, उनके पास सजेशंस होते हैं कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेके आई जा सकती है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, चूँकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करेंगे, या फिर उनके पास वो विजन होता है, वो नज़रिया होता है जो कि यंग पीपल थोड़ा सा उसको लैक करते हैं, उनके पास ये नहीं होता, थोड़ा कम होता है. हाउएवर एडल्ट्स मस्ट लर्न टू वर्क विद यूथ रादर देन टेलिंग देम व्हाट टू डू. और फिर वो कह रहे हैं कि बुज़ुर्गों को चाहिए कि वो नौजवानों के साथ काम करना सीखें, बजाय इसके कि वो सिर्फ उनको बताएं आपने ये करना है आपने वो करना है, नहीं, बल्कि एक साथ चलें दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे और दोनों उन एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करें. बुज़ुर्गों को चाहिए वो नौजवानों की अहमियत को तस्लीम करें और नौजवानों को चाहिए कि वो बुज़ुर्गों की अहमियत को तस्लीम करें. फिर इससे क्या होगा, एक तरह से एक म्यूचुअल बॉन्ड बन जाएगा जहाँ पे एडल्ट्स जो है वो सजेशंस दे सकते हैं, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, जहाँ वो अपनी राय दे सकते हैं और रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर सकते हैं, या अपना एक्सपीरियंस जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकते हैं. और फिर यूथ क्या कर सकती है, उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल में ला सकती है. तो फिर इसी तरह से एक म्यूचुअल बॉन्ड बनेगा जिसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा. टेक एडवांटेज ऑफ द नॉलेज.
ऑफ द एडल्ट एंड एडल्ट शुड बी ऑलवेज विलिंग टू शेयर विद यूथ विदाउट बीइंग बॉसी और डोमिनेटिंग। और फिर वही बात कि म्यूचुअल रिलेशनशिप ही जो है वो बहुत अच्छा है। एडल्ट्स को चाहिए वो बॉसी ना बने, वो अपना हुक्म ना चलाएं, बल्कि जब उनकी ओपिनियन की ज़रूरत हो, जब उनके सजेशंस की ज़रूरत हो, जब उनके रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, उनको तब तक प्रोवाइड करें। और यूथ जो है वो इस बात की अहमियत को समझें कि वो एक्सपीरियंसेस जो है वो वहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। एडल्ट शुड नॉट प्रेस यूथ इनटू डूइंग और बिलीविंग इन समथिंग बिकॉज यूथ विल रियलाइज व्हाट द एडल्ट्स आर इंटेंडिंग टू डू एंड दस रिजेक्टेड। अब एक और बात, फिर से बुज़ुर्गों को ये कहा जा रहा है कि शुड नॉट प्रेस यूथ। अब वो ज़बरदस्ती यूथ को वो ना करवाएं, ना उनको ज़बरदस्ती उस बात पे यकीन दिलवाएं इन समथिंग, कि ज़बरदस्ती आप उनको किसी बात का यकीन दिला रहे हो या ज़बरदस्ती उनको कह रहे हो कि आपने ये करना है। आपने असल में ज़बरदस्ती नहीं करनी, आपने उनको कन्विंस करना है, ठीक है। फिर क्या होगा अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, फिर जो नौजवान हैं वो क्या समझेंगे कि एडल्ट्स जो है वो हमसे क्या करवा रहे हैं, वो ये वाला ज़बरदस्ती वाला काम करवा रहे हैं, और फिर वो इसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे रिगार्डलेस ऑफ इट्स रेलेवेंस और मेरिट। हालांकि जो आप करवाना चाह रहे हैं उसकी रेलेवेंसी है, उसका एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन यूथ को इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि हाँ ये काम रेलेवेंट है, इसका एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन उनको लगेगा ये ज़बरदस्ती मुझसे करवा रहे हैं, वो फिर उसको नहीं करेंगे। तो अगेन ऑथर जो है वो एडल्ट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ना आपने बॉसी बनना है, ना आपने अपनी राय को इम्पोज करना है, ना ही ज़बरदस्ती उनको यकीन दिलाना है, कि ना ही उनको फोर्स करना है कि ये आप करें। फिर इससे क्या होगा कि यूथ ये समझेगी कि मुझ पे ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है और वो उस काम को करने से पीछे हट जाएंगे। हालांकि उनको पता होगा कि ये एक पॉजिटिव काम है, लेकिन फिर भी वो जो है ये समझेंगे कि हम नहीं करेंगे। यूथ पार्टिसिपेशन एंटेल्स अ प्रोसेस, जो यूथ की पार्टिसिपेशन है entails a process through which youth are able to influence and share control over planning. वो किस चीज़ पे है, एक ऐसा process through which youth are able to influence करना शुरू हो जाते हैं and share control over planning decisions and resources that affect them. उन चीज़ों पे वो influence होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे plannings हों, decisions हों या फिर resources हों, वो उनको influence करना शुरू हो जाते हैं youth, ठीक है। एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, किसी इदारे की बात हो रही है, दिस एंटेल्स इन बीइंग इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन विच यंग पीपल हैव लेजिटिमेट रोल। ऑथर कह रहा है कि नौजवानों के पास पॉलिसीज बनाने में, डिसीजन मेकिंग में, कि अगर वो कोई फैसला कुन काम करते हैं या फिर किसी चीज़ की प्रैक्टिसेस में, उनका एक किरदार है और वो किरदार उनको जो है वो ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इन सब चीज़ों पे ये मुश्तमिल होता है कि यूथ को जो है वो इन तमाम कामों में आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज बनाने में या फिर प्रैक्टिसेस में। सच एज़, अब वो कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जहाँ पे यूथ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सच एज़ मैनेजर और एडवाइज़र, मैनेजमेंट में यूथ को जाना चाहिए और एडवाइज़र बनना चाहिए, क्योंकि इनके ही काम होते हैं ना, प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग, ये इन दोनों के ही काम होते हैं। ऑन अ पर्सनल लेवल पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स यंग पीपल्स राइट्स to be included in and informed about decisions and issues affecting their lives. तो author ये समझता है कि अगर ज़ाती level पर देखा जाए तो फिर क्या है, अगर हम youth की ज़िंदगी के हवाले से कोई फ़ैसले कर रहे हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, तो फिर क्या है, youth को उसमें शामिल होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो जो मसाइल उनको किस तरह से मुतासिर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या फ़ैसले लिए जा रहे हैं। मींस अगर कोई
ऐसा प्रोग्राम होता है, ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम या ड्रग के हवाले से अवेयरनेस है और कोई फैसला लिया जाता है कि भाई नौजवानों को इससे दूर रखना चाहिए, तो नौजवानों को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, उनको भी किरदार अदा करना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से ये चीज़ें उनको इफ़ेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद अगर कोई फ़ैसला होता है, कोई पॉलिसी बनती है, तो यंग लोगों का एक किरदार वहाँ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी के बारे में इस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी वो समझ रहा है कि पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स यंग पीपल्स राइट टू बी इंक्लूडेड। यंग पीपल को इंक्लूड होना चाहिए, उसका हिस्सा होना चाहिए एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट, और आगाही होनी चाहिए। किस चीज़ के बारे में आगाही होनी चाहिए? उन फैसलों के बारे में या उन इश्यूज़ के बारे में जो कि उनकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। ठीक है, यूथ्स पार्टिसिपेशन मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एंड फॉस्टरिंग यूथ्स इन्फ्लुएंस एंड एबिलिटी। यूथ की पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है? रिकग्नाइजिंग एंड फॉस्टरिंग यूथ्स इन्फ्लुएंस। यूथ का जो इन्फ्लुएंस है, उनके मौजूदगी के जो असरात हैं, वो जो है उनको रिकग्नाइज करना एंड एबिलिटी थ्रू देयर एक्सपर्टीज एंड इन्वॉल्वमेंट, और फिर उनको उस काम में इन्वॉल्व करना कि भाई आप भी आएँ, इसमें एक किरदार अदा करें, ये उनकी पार्टिसिपेशन है। ठीक है, ओनली इन दिस वे विद यूथ्स पार्टिसिपेशन बी ट्रूली इफ़ेक्टिव फॉर यूथ देमसेल्व्स। और अगर वो नौजवान हिस्सा लेंगे तो फिर क्या होगा, वो चीज़ यूथ के लिए, वो प्रोग्राम यूथ के लिए इफ़ेक्टिव होगा क्योंकि उन्होंने खुद से वहाँ पे किरदार अदा किया है। ठीक है, दे आर एडल्ट काउंटर पार्ट्स एंड कम्युनिटी एज अ होल। तो फिर वो क्या होगा, वो बड़ों के लिए भी वो मौसर होगा क्योंकि यूथ जो है वो उसमें एक इफ़ेक्टिव रोल परफॉर्म कर रही है, और फिर उन फैसलों को यूथ को मानने में भी आसानी होती है, ट्रूली इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसी सेंस में पार्टिसिपेशन भी ट्रूली इफ़ेक्टिव फॉर यूथ देमसेल्व्स, देयर एडल्ट्स काउंटरपार्ट्स, एडल्ट काउंटरपार्ट्स यानी कि उसी प्रोग्राम में जो एडल्ट्स हैं वो भी उनके उसी प्रोग्राम में जो हिस्सा ले रहे हैं वो, और कम्युनिटी इन सब के लिए। द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूथ्स पार्टिसिपेशन, अब ये हेडिंग है, इसको देखते हैं। यंग पीपल have a right to participate in programs as enshrined in the UN convention. तो UN के जो convention है rights of child की, जिसको 1990 पे adopt किया गया, उसमें क्या है कि young लोगों को जो नौजवान हैं उनका जो है वो right है, उनका हक है कि वो इस तरह के programs में हिस्सा लें। The convention has since been ratified by almost every member state. और फिर उस convention को जो है वो सबने accept भी किया है, और one of the principles of the convention states, और उनमें से जो एक principle है, जो एक rule है, वो क्या कहता है, children must be allowed as active participants. बच्चों को एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक होता है पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन वो कोई किरदार अदा नहीं करता खामोशी से। लेकिन यहाँ पे जो शिक है उस कन्वेंशन की, वो ये कह रही है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, अहम किरदार अदा करना है। ठीक है, इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग देयर लाइफ्स, उन तमाम मसाइल में जो कि उनकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं, एंड बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, और वो आज़ाद होने चाहिए ताकि वो अपना नज़रिया जो है वो बयान कर सकें। दे हैव द राइट टू हैव देयर व्यूज़ हर्ड एंड टेकन सीरियसली, और ये उनका हक है कि उनको सुना जाए और उनकी बातों को संजीदगी से लिया जाए। ड्रग प्रिवेंशन, अब यूथ की पार्टिसिपेशन तो हमने देख ली कि यूएन कन्वेंशन से ये बात है कि जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक हैं उसमें उनका ये राइट है कि उनको सुना जाए और उनको जो है वो एक्टिव रोल प्ले करवाया जाए या किया जो वो खुद करें। ड्रग प्रिवेंशन, ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स कैन टारगेट ऑल यंग पीपल। अब जो ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं, नशे की रोकथाम के जो प्रोग्राम्स हैं, वो किनको टारगेट करते हैं? ऑल यंग पीपल।
तमाम नौजवानों को, क्योंकि जो उस एज से गुज़र चुके हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका इतना नहीं, लेकिन टारगेट क्या है, नौजवान टारगेट है, और दे कैन टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप्स, या तमाम नौजवानों को जो है वो उसमें शामिल किया जाए, या उन ख़ास ग्रुप्स को, उस ख़ास ग्रुप को विद स्पेसिफिक नीड्स, जिनकी ज़रूरियात जो है वो स्पेसिफिक है, सच एज़ यंग पीपल हु हैव ऑलरेडी ट्राइड ड्रग्स। मिसाल के तौर पर ख़ास ज़रूरियात जो है वो किन की है, जिन्होंने ऑलरेडी किसी ड्रग को ट्राई किया है, किसी नशे को ट्राई कर चुके हैं, और हु आर कंसिडर्ड एट रिस्क, या फिर वो एट रिस्क हैं, ऐसे लेवल पे हैं कि वो कभी भी उस लत में गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ख़ास उन ग्रोहों को उसमें शामिल किया जाए। प्रोग्राम्स कैन बी हेल्ड इन स्कूल, प्रोग्राम्स को स्कूलों में होना चाहिए, और इन द कम्युनिटी, एंड दे कैन बी रन बाय यूथ, और ऐसे प्रोग्राम्स को कौन चला सकता है, नौजवान लोग चला सकते हैं, या फिर एडल्ट्स चला सकते हैं, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर दोनों इसको चला सकते हैं कि उसमें यंग लोग भी हों, उसमें एडल्ट्स भी हों। देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉर ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, कोई ख़ास प्रोटोकॉल उनका नहीं होता, बट इन ऑर्डर फॉर देम टू बी इफ़ेक्टिव, लेकिन अगर आप उनको इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, प्रोग्राम्स शुड कंसिडर द फॉलोइंग, उन प्रोग्राम्स में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो कोई ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आप इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, आप उनको मुअस्सर बनाना चाहते हैं, तो फिर ये चीज़ें उन प्रोग्राम्स में ज़रूर होनी चाहिए। क्या? एनहांसिंग प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एंड रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर्स। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या है? प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ये हैं कि बचाव के जो प्रोग्राम्स हैं, ऐसे फैक्टर्स को बढ़ाया जाए जो कि लोगों को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर ऐसे रिस्क को कम से कम किया जाए जो कि उनको रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको कम से कम तर किया जाए, ठीक है। इंक्लूडिंग स्किल्स टू रिजिस्ट ड्रग्स, ऐसे स्किल्स उसमें शामिल हों जो कि ड्रग्स को रिजिस्ट कर सकें, ठीक है। स्ट्रेंथन पर्सनल कमिटमेंट्स, लोगों की पर्सनल कमिटमेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि आपने नशे के करीब नहीं जाना है, अगेंस्ट ड्रग यूज़, एंड इंक्रीज सोशल कॉम्पिटेंसीज, और सोशल कॉम्पिटेंसीज हैं उनको बढ़ा दिया जाए। नौजवान क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, और जब उनके कॉम्पिटिशन्स सोशली, उनके कॉम्पिटिशन्स होंगे, प्रोग्राम्स ऐसे रखे जाएंगे, फिर क्या होगा, उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। Incorporating interactive methods rather than just the traditional educational techniques alone. क्या के interactive methods जिसमें जो है वो उनका भी किरदार हो, वो खुद भी शामिल हो, rather than just traditional educational techniques, सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए बस उनको एजुकेट किया जाए, आपने नहीं करना, आपने ये नहीं, उनका भी एक किरदार होना चाहिए, वो भी आएँ और परफॉर्म करें, ताकि उनका अपना भी एक किरदार हो। जेनरेटिंग नॉर्म्स दैट आर स्ट्रेंथन्ड अगेंस्ट ड्रग यूज़ इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए जाएं, कुछ ऐसे नॉर्म्स बने जो कि ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ लोगों को स्ट्रेंथन करें, उनको पावरफुल बनाएं, इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में जो है ऐसे नॉर्म्स हों, ऐसे कस्टम्स हों जो कि स्ट्रेंथन करें लोगों को, ताकि वो ड्रग्स की तरफ ना जाए। टारगेटिंग ऑल यूथ एंड गिविंग स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग दोज हु आर मोस्ट एट रिस्क, तमाम यूथ को टारगेट किया जाए और स्पेशल अटेंशन उन लोगों को दी जाए जो कि मोस्ट एट रिस्क हैं, यानी कि उनके चांसेस ज़्यादा हैं, जिनके आसपास जाहिर है बहुत ज़्यादा हो, एक्सेस उनकी हो, तो फिर वो मोस्टली एट रिस्क होते हैं। कौन से होते हैं ज़्यादातर एंडेंजर्ड या जो मोस्ट एट रिस्क, वो होते हैं जिनके आसपास ये चीज़ें अवेलेबल हो और कोई रोकथाम ना हो, कोई उनको मना करने वाला ना हो,
ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर इन प्रोग्राम्स में शामिल किया जाए, टारगेट किया जाए, उनका जो है वो एक किरदार उस प्रोग्राम में होना चाहिए. बींग सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू एजेस, कल्चर्स एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस, और साथ में किन बातों का ख्याल रखा जाए, एज का, कल्चर का, और फिर डेवलपमेंटल स्टेज, बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज की एक स्टेज ये है, दूसरी स्टेज ये है, इन बातों का ख़ास ख्याल रखा जाए, तभी एक इफ़ेक्टिव प्रोग्राम बन सकता है. बेनिफिट्स ऑफ यूथ पार्टिसिपेशन इन ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स. अच्छा, फ़ायदे क्या हैं अगर यूथ, अगर हमारे नौजवान किसी ऐसे रोल, किसी ऐसे प्रोग्राम में रोल परफॉर्म करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? यूथ पार्टिसिपेशन इन ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैज़ ग्रेट एडवांटेजेस. बहुत से इसके फ़ायदे हैं, नॉट ओनली फॉर यूथ देमसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर एडल्ट्स. ना सिर्फ नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि बड़ों के लिए भी, एंड फॉर द कम्युनिटी, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए. सिंस यूथ आर द प्राइमरी बेनिफिशरीज, दे गेन द मोस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेशन. अब यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी बेनिफिशरी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनसे ले सकता है, सबसे पहले नंबर पे फ़ायदा लेने वाला यूथ होता है. तो फिर दे गेन मोस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेशन. इस तरह के प्रोग्राम्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेके ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात ले सकते हैं. इट इज़ देयर डिसीजंस इन मैनेजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, और ये उनके फैसले होते हैं मैनेजिंग और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, प्लान करना और राइज करना, दैट इम्प्रूव द प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव्स. और उसमें जो है वो प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है, उस प्रोग्राम का जो मकसद है, उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है. वेन एवर वट एवर डिसीजन्स दे मेक, चाहे वो जो भी फैसले करें और प्रोसीजर्स दे अप्लाई या कोई भी तरीक़ेकार वो अपनाएं, दे विल बी द वंस अफेक्टेड द मोस्ट, वही जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे. तो उनके जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स में, ड्रग एडिक्शन ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में बहुत से बेनिफिट्स हैं यूथ की पार्टिसिपेशन के. ठीक है, फिर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में हम क्या देखते हैं, सिंस यूथ यंग पर्सन्स आर द बेस्ट एक्सपर्ट्स ऑन यंग पीपल. और दूसरी तरफ क्या है कि डिलीवरी सर्विसेज की, वो जो सर्विसेज आपने बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, उनके उन लोगों तक पहुँच के लिए वो क्या बता रहे हैं. ये कह रहे हैं कि यंग लोग जो है वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी एक नौजवान दूसरे नौजवान को बहुत आसानी से समझ लेता है, दे कैन डिलीवर द बेस्ट सर्विसेज टू देम. तभी ये होता है कि वो बहुत आराम से डिलीवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं. दैट्स वाई देयर इन्वॉल्वमेंट इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विल बी मोर रेलिवेंट. और यही वजह है कि उनकी उनका किरदार उन सर्विसेज को डिलीवर करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है टू द नीड्स ऑफ यंग पीपल, और वो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक होता है. यंग पर्सन्स अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ वे दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट एडल्ट्स टू कॉम्प्रीहेंड. और नौजवान लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, और बड़े जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए वो मुश्किल होता है, वो नहीं समझ पाते. देयर बिहेवियर, देयर स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इवन देयर लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम एडल्ट्स. और ये सब चीज़ें जो वो बता रहे हैं, लैंग्वेज, बिहेवियर, ये सब जो है वो एडल्ट से मुख्तलिफ होते हैं. इट ऑफन हैपन्स दैट एडल्ट फील अपसेट ओवर द कंडक्ट ऑफ यूथ. और अक्सर ऐसा होता है कि नौजवानों की जो हालत है उससे जो है वो बुज़ुर्ग परेशान हो जाते हैं. द प्रोग्राम्स चॉक्ड आउट बाय यंग पर्सन्स आर ऑलवेज कंपैटिबल टू द नीड्स ऑफ यंग पीपल. और ऐसे प्रोग्राम्स जो कि इन्होंने नौजवानों ने टेलर किए हैं, जो उन्होंने तख्लीक किए हैं, वो नौजवानों पे ज़्यादा मुअसर साबित होते हैं. बुज़ुर्ग जो है वो उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं, बेजार हो जाते हैं. Young people not only benefit from being active participants in any programs but also improve their knowledge. और जो नौजवान हैं ना सिर्फ ये फ़ायदा उठाते हैं active participants का in any program but also improve their knowledge. ना सिर्फ उसका फ़ायदा उठाते हैं बल्कि उनके इल्म में भी इजाफा होता है about the causes and methods of prevention of drug abuse. किस चीज़ में के बारे में उनके इल्म में इजाफा होता है कि ड्रग अब्यूज़ की कॉजेज़ क्या है, क्या वजह है लोग मंशियात की आदत पड़ जाती है, या मेथड्स कौन कौन से हैं जिससे नशावर चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं. तो क्या होता है, यूथ जो है वो एजुकेट हो जाता है. एक्सप्रेशंस, पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस.
अब यूथ जब उनमें पार्टिसिपेट करता है, इन प्रोग्राम्स प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपने आइडियाज़ और अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करें ड्रग अब्यूज़ के बारे में. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व एट देयर आइडियाज़ एज टू द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफन डिफर. और क्या ऑब्जर्व किया गया है कि उनके आइडियाज़ के हिसाब से डेंजर्स ऑफ ड्रग्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, ड्रग्स के डेंजर्स क्या है और उनको रोकने के तरीके कौन से हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं फ्रॉम व्हाट द एडल्ट्स बिलीव. जो कि एडल्ट्स जो है वो एक तरीका बता रहे होते हैं, नौजवान जो है वो दूसरा तरीका बयान करते हैं. तो ये ज़्यादातर देखा गया है. फॉर इन सम केसेस यंग पर्सन हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ड्रग अब्यूज़. और कुछ केसेस में क्या है, वो जो यंग लोग हैं उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, अमली तजर्बा उनका ज़्यादा होता है. ठीक है. दे हैव ईदर बीन डायरेक्टली अफेक्टेड बाई द ड्रग्स, या तो वो मनशियात से डायरेक्टली इफ़ेक्ट हुए होते हैं, और इनडायरेक्टली अफेक्टेड एज एनी ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, या तो वो खुद मुतासिर हैं या उनकी फैमिली में कोई ना कोई ड्रग्स की वजह से मुतासिर है. Have been the victim of drug abuse. They can thus provide better explanation of effects and hazards of drug. तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मंशियात के असरात और उसके नुकसानात को ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद दोज एडल्ट्स हु हैव नेवर टच्ड एनी ड्रग, बनिस्बत उन बुज़ुर्गों के जिन्होंने आज तक किसी भी मंशियात के किसी भी फॉर्म को हाथ नहीं लगाया. नौजवानों का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है, तो जिसकी वजह से उनका किरदार जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं. अब स्किल्स देख लेते हैं. बाय पार्टिसिपेटिंग इन प्रोग्राम्स ऑन ड्रग अब्यूज़, जब आप ड्रग अब्यूज़ के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यंग पीपल गेन डेवलपमेंटल स्किल्स एंड नॉलेज दैट विल इंश्योर अ बेटर फ्यूचर. फिर क्या होता है, नौजवानों का डेवलपमेंटल स्किल्स, उनके ऐसे स्किल्स उनमें आ जाते हैं जो कि फिर आगे फ्यूचर में उनके काम आ सकते हैं. दे गेन एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस भी आता है कॉन्फिडेंस भी आता है आफ्टर अकॉम्प्लिशिंग अ टास्क सक्सेसफुली. और अक्सर ऐसा होता है जब भी आप किसी टास्क को फुलफ़िल करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है. द लीडरशिप रोल्स assigned to them lead them to become responsible citizens. और वो जो किरदार उन्होंने अदा किया होता है लीडरशिप वाला, वो किस तरह के असरात लेके आते हैं उनकी ज़िंदगी में कि वो अच्छे सिटीजन रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार शहरी बन जाते हैं. रिस्पेक्टेबल रोल्स इन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रूम देयर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी भी उनकी ग्रूम हो जाती है जब वो ऐसे रोल्स परफॉर्म करते हैं. एंड शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन देयर ओन, और फिर क्या होता है, वो जिम्मेदारियाँ उठाने के लायक भी हो जाते हैं. पार्टिसिपेशन गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू चैनलाइज देयर एनर्जीज, और फिर इस तरह की पार्टिसिपेशन उनकी शमूलियत जो है वो क्या करती है, उनकी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देती है टू चैनलाइज देयर एनर्जीज़, कि उनकी एनर्जीज़ को एक चैनल मिल जाता है फॉर द गुड ऑफ देयर नेशन, जिससे उनके नेशन को उनकी कौम को उसका फ़ायदा मिलता है. कम्युनिकेशन, द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ अलाउज अदर यूथ टू फील एट ईज वाइल स्पीकिंग ऑन इश्यूज़ इन द एब्सेंस ऑफ एडल्ट्स. और जब नौजवान इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं और वो उन मसाइल पे नौजवानों से बात करते हैं, तो दूसरे नौजवान क्या वो उससे हिचकिचाते नहीं हैं, वो एट ईज महसूस करते हैं, ज़्यादा उससे जो है वो तंग नहीं आते. दे आर लाइकली टू फील शाय एंड हेजिटेट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. और अगर वो एडल्ट्स के साथ वो शेयर करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो शाय महसूस करेंगे एंड हेजिटेट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ और शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. तो वो अपने ना ही आइडियाज़ शेयर करेंगे ना ही जो है वो एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे. सम यंग पर्सन आर इन द हैबिट ऑफ जस्ट रेटिफाइंग द व्यूज़ व्हाट द एडल्ट्स पुट फॉरवर्ड. और कुछ नौजवान जो है वो उनकी आदत क्या है कि वो सिर्फ उन व्यूज़ को जो है वो आगे बढ़ाते हैं जो कि एडल्ट्स ने दिए हैं, एंड सेइंग दैट दे थिंक एडल्ट्स वांट टू हियर इंस्टेड ऑफ व्हाट दे रियली हैव इन देयर माइंड्स.
और वो ये समझते हैं कि बस ये बड़े जो हैं वो सिर्फ यही हमसे सुनना चाहते हैं, बजाय इसके जो मेरे जहन में चल रहा है वो शेयर नहीं करते, बल्कि वही बात बताते हैं जो वो ये समझते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग मुझसे ये सुनना चाहते हैं, तो मैं यही बयान करूँगा। और अगर कोई नौजवान होगा तो वो उससे अपने दिल की बात करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।